क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गया पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नियमों में संशोधन कर बिहार सरकार द्वारा जो आनंद मोहन की रिहाई की गई है, उसका लोक जनशक्ति पार्टी विरोध करती है। आगे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस फैसला से बिहार सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। एक दलित अधिकारी की हत्या की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई कहीं से भी उचित नहीं है। ये दर्शाता है कि सरकार की सोच किस तरीके से पूर्णतः दलित विरोधी है। जिस अपराध में उनको सजा हुई थी, आज उनके परिवार को इससे ज्यादा दुखी और इससे ज्यादा अन्याय करने का और कोई कार्य इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता था। उनकी रिहाई का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः विरोध करती है और सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस पर पुनः विचार कर अपनी गलती को सुधारने का हम लोग मांग करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जमुई के वर्तमान सांसद भी हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी का आज यहाँ पे आगमन हुआ था गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आप तमाम मीडिया के साथी एवं मगध के साथी यह जानते हैं कि आज की तारीख में धनानंद जैसा शख्स एक बिहार की गद्दी पर बैठा हुआ है। तो इसी मगध की धरती से कवि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंकने का काम किया। तो हम लोगों के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में चिराग पासवान जी मिल चुके हैं और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। संकल्प सभा थी आज हम लोगों की कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाना है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नालंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार शरीफ सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए स्लोगन ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं में एक स्लोगन और जुट गया है, अपराधियों का बेल करवाते भी हैं। अब तो नीतीश कुमार अपने क्षेत्र नालंदा जिले के बिहार शरीफ में उपद्रव के दौरान निर्दोष लोगों को भी फंसा रहे हैं, फंसा भी रहे हैं अपने अपने गृह जिला भी बिहार शरीफ के अंदर। कितने निर्दोष लोगों को उन्होंने फंसाया है, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और अगर जो उनको लगता है कि ये लोग दोषी है तो फिर न्यायिक जांच से भाग क्यों रहे हैं? क्यों नहीं हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराते हैं? अरे ये फंसाते भी हैं और तुष्टिकरण की राजनीति में बचाते भी हैं और अपराधियों को बेल दिलाकर उसके अपराध की घटना करवा करके ये अपनी सत्ता को बरकरार रखने का खेल भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
वहीं अभियान के तहत सफाई कर्मी के द्वारा पंचायत में नाले की सफाई, रोड की सफाई कर्मी की जा रही है, सफाई की जा रही है। वहीं सुरेंद्र राम ने बताया कि मुखिया के दिशा अनुसार सफाई कराना हमारा पहला कर्तव्य है, ताकि किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर वार्ड में जाकर साफ सफाई करना जरूरी है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां 3 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नव निर्वाचित MLC आफाक अहमद के स्वागत में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और रामनगर व्यापारी संघ अध्यक्ष शेख औरंगजेब और शिक्षक गढ़ के सौजन्य से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल लोगों ने नव निर्वाचित MLC आफाक अहमद को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन ने की। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक उबैदुर रहमान ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन किया। व्यापारी संघ अध्यक्ष शेख औरंगजेब ने कहा कि अब तक इस उपलब्धि के लिए हम लोग दूसरे जिले के उम्मीदवार को निर्वाचित कर सम्मान करते थे। जो भी लड़ने आता हूँ, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, आपने अपने कीमती वक्त को निकाल कर मेरे साथ साझा किया। मैं जो भी चुनाव लड़ने जाता हूँ तो मतदाताओं को उस चुनाव के प्रति जागरूक करता हूँ। जैसे मैं स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा, स्थानीय निकाय का चुनाव उस अंदाज में इस चंपारण में कभी नहीं हुआ था, लेकिन मैं उस लोकतंत्र के अंतिम पाठशाला तक पहुंचकर लोगों को बताया कि संविधान ने तुम्हें ताकत दिया है और तुम्हारे दरवाजे पर आकर मैं माथा टेक रहा हूं। तुम इसका ख्याल रखना कि कम से कम बेहतर से बेहतर आदमी को चुनाव जिता कर भेजो सदन के अंदर, कि तो तुम्हारा नेतृत्व कर सकते। ठीक वही काम मैंने किया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मैंने इस चुनाव को अपने ढंग से कंपेन किया और लोगों ने मेरी बातों को समझा, मेरा अपील को महसूस किया, एक्सेप्ट किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं पिछले सप्ताह एक मीटिंग किया था बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन के जो प्रधान लोग थे उन लोगों के साथ। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पूर्वी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में रुपौली गांव में बिहार धार्मिक न्याय परिषद द्वारा संचालित राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर के जमीन से अवैध मिट्टी कटाई पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने सौर बाजार थाना और सौर बाजार अंचलाधिकारी को आवेदन देकर मांग की है। अवैध मिट्टी कटाई को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर के नाम से लगभग 32 एकड़ जमीन है, जिसका गलत तरीके से महंत उपयोग करते हैं, जो नियम के विरुद्ध है। बोला जी इसका यहाँ घर है, इसका इसमें हम बिछकाने नहीं देंगे, इसको हम रास्ता बंद कर देंगे, इसकी इससे निकलता है, इसको हम गड्ढा खुनेंगे, इसको हम पोखर बनाएंगे, इसको साल इसको हम बीच में भी नहीं जाने देंगे हम। इसी का तरह से हम प्रशासन को बोला जनार्दन यादव मीडिया भाई से अनुरोध मैं करना चाहूँगा, जो ये कबीर मठ रुपौली की संपत्ति है, जो कि यहाँ के जो सेवायत के रूप में हम लोग के समाज में पूर्वजों से सब दिन से चलते आ रहे हैं महंत के रूप में, लेकिन महंत जो इनका पिताजी थे वह 5 बरस पहले गुजर गए हैं। इससे पहले हम लोग जो है पूरा सारे ग्रामीण मिलके कई बार जाके पिटीशन भी जाके दिए, कानून प्रक्रिया में भी गए, और मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बहुत संपत्ति है कि हम यहाँ रहेंगे, मेरा है गाँव में पार्टी पॉलिटिक्स चलते यहाँ रह गया, रहने के बाद में मनमना करता है, टेस्ट बोर्ड में भी दिया गया दरखास्त सब चीज़ किया, टेस्ट बोर्ड से इसको आदेश आया कि जगह का संरक्षण करें, अन्यथा इनका 5 शर्त दिया गया है जिस पर एक भी शर्त पर कबूल नहीं है, स्वतः इनको इनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। DM साहब को भी हम लोग दिए, DM साहब CO साहब को दिए, CO साहब जो अभी है महोदया है यह सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिसीविंग देती है और फिर ले लेती है पटिया करके, और आने के लिए भी तैयार नहीं। सहरसा के DM वैभव चौधरी द्वारा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान DM वैभव चौधरी ने विभिन्न वार्ड का निरीक्षण कर उसमें कमी को देखते हुए तुरंत जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपातकालीन कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, प्रसव कक्ष, मातृत्व कक्ष, SNU रक्त केंद्र, एक्सरे केंद्र, ICU, बर्न वार्ड, सर्जिकल वार्ड, नर्स रूम का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डो में इलाज करा रहे रोगी एवं मरीजों से भी बातचीत कर अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। जी आज सदर अस्पताल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तो वर्तमान में मेरे द्वारा अभी बर्न वार्ड हो गया, मेल वार्ड हो गया, इसी तरह महिला वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड
इन सब का निरीक्षण अभी तक किया गया है। इसके अंदर कुछ कुछ कमियां पाई गई हैं, इसका सिविल सर्जन साहब भी मेरे साथ में, उनको उन सभी की कमियों को दूर करने का निर्देश भी दिया गया है और अभी आगे का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां परिलक्षित होंगी या जो भी अच्छा काम हो रहा होगा उस विषय में हम लोग अस्पताल प्रबंधन से भी निर्देश देंगे और यही हमारी प्रेरणा रहेगी और प्रयत्न रहेगा कि जितने भी हमारे जिलेवासी हैं उन सभी लोगों को एक बेहतर चिकित्सा मिल सके और वो जो हम लोगों के पास अभी एग्जिस्टिंग सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही चिकित्सा की, उन सबका लाभ सभी लोगों को हम लोग पहुंचा सकें। खबर पश्चिम चंपारण नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के बरवा बरौली पंचायत वार्ड संख्या 13 से है, जहां जमकर लूट घसूट किया गया है। दरअसल सात नशे योजना में जमकर रुपए का बंटवारा किया गया है। इस दौरान पैसे निकालकर सरकारी कागजों का तो काम पूरा करा दिया गया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखा है। जबकि एक वार्ड में योजना के लिए 1,77,000 रुपए आवंटित किए गए थे, जिसके लिए अकाउंट से 1,00,000 रुपए निकाल भी लिए गए, पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। पटना जंक्शन रोड के पास भारी संख्या में एक दिवसीय ऑटो ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल किया। ऑटो चालकों का कहना है कि लगातार प्रशासन ई रिक्शा वालों पर ज्यादती कर रही है, रोजी रोटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन हम लोगों को लगातार परेशान कर रही है, ऐसे में सभी ऑटो और रिक्शा चालकों लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा ई रिक्शा को लेकर जारी किए गए रूट परमिट को लेकर ई रिक्शा ऑटो संचालकों ने एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। सहरसा मंडल कारा जेल से आज बाहुबली पूर्व आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, जिसके बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल पूर्वी चंपारण मोतिहारी एवं शिवहर लोकसभा क्षेत्र, जो कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की कर्मभूमि रही है, वहां से सैकड़ों की संख्या में समर्थक और सहरसा पहुंचे और उनकी स्वागत की तैयारियों में कई घंटों का इंतजार भी किया। सकरा की सुनीता किडनी कांड व बरियापुर की पिंकी यूरिन नली काटे जाने का मामला थमा नहीं था कि मुशहरी के द्वारिका नगर में अवैध नर्सिंग होम का एक और कारनामा सामने आया है। मुशहरी के चोलाचाप डॉक्टर का कारनामा सामने आया है। नर्सिंग होम में एक महिला की यूरिन पाइप के ऑपरेशन के दौरान यूट्रस निकालने की आशंका की शिकायत से हड़कंप मच गया है। नर्सिंग होम 4 कमरों में लगता है। चौकी पर मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ना तो कोई ऑपरेशन थिएटर है और ना ही मानक के अनुरूप इसका संचालन होता है। बताया जा रहा है कि द्वारिका नगर में कई वर्षों से निजी मकान से संचालित है वह नर्सिंग होम संचालक द्वारा बीते दिनों जलालपुर की एक 25 वर्षीय महिला फातिमा खातून की यूरिन पाइप ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी निकालने का मामला सामने आया है। हमारे ग्रामीणों द्वारा एक महिला का यूटेरस निकालने का मामला लोग आए हैं, पता कर रहे हैं।
क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है, देखा जा रहा है कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ, अगर ऑपरेशन करने लायक सर्जरी करने लायक है कि नहीं है। एक दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा बिहार शरीफ पहुंचे। इसी के साथ ही वहां उन्होंने पहाड़पुरा गांव के मृतक परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि उपद्रव के दौरान गुलशन कुमार की गोली मारकर उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि गुलशन कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए हम सड़क से सदन तक आपके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ब्लास्ट मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग बिहार सरकार से की है। और किस तरह से बम विस्फोट होता है और लोग उसको पटाखा कर करके दबाने का प्रयास करता है, ये बिहार शरीफ के अंदर सासाराम के अंदर प्रशासन को जो आतंकवादियों का पनाहगाह बना दिया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन अगर जो गलत तरीके से लोगों को फंसाने का और न्याय देने का काम नहीं करेंगे तो आपको सत्ता से जाना तय है। कहते हैं प्यार जितना ही मीठा होता है अंजाम उतना ही बुरा होता है। दरअसल इस कहावत में भागलपुर में हुए कांड पर बिल्कुल सटीक बैठा है। भागलपुर में आपको बता दें कि प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने बड़ा कदम उठा लिया है। मुकम्मल ना हुआ प्यार तो युवती ने अपनी जान दे दी। बता दें कि शिवानी ने खौफनाक कदम उठा लिया। पहले प्रेमी ने आत्महत्या कर अपनी जान दी और उसके दो दिन बाद प्रेमिका ने भी ठीक उसी अंदाज में अपनी जान को त्याग दिया। आप क्या कर रहे थे? हम नहाए थे कल। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या हाल है? रम रमी। अच्छा, ये जो घटना हो रही है, कोई तरीका है? ये मैं बेटी कुछ नहीं बोलना रहे ना, बेटी कुछ नहीं बोल रख है ना। हमसे परेशान हम की बेटी का आज तक कहिए लपर तो दूर एक बातों नहीं कहिए करने कहना। बच्चा पढ़े लिखे वाला छे तक कहीं पढ़े रहे बीए में। कहाँ पर? यहीं मदन अल्लाह कॉलेज। बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह स्थित हजरत शेख शफुद्दीन अहमद आहिया मनेरी रहमतुल्लाह अली के अस्थाने पर लगने वाला उर्स की शुरुआत हो चुकी है। मखदूम साहब के अकीदत के साथ आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। पूर्व से चली आ रही परंपरा के अनुसार पहली बार चादर पोशी जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा ने मखदूम साहब के अस्थाने पर चादर पोशी कर जिले वासियों के लिए अमन की दुआएं की हैं। हर साल चादर पोशी किया जाता है, इस बार भी चादर पोशी थाना से पुलिस से एसडीओ ऑफिस प्रशासन द्वारा की शुरू हो गया है और परंपरागत तरीके से प्रशासन और पुलिस के द्वारा चादर पोशी की गई। और इसके साथ साथ हम लोग ये दुआ करते हैं, ये पूरी हमारी तमन्ना है कि शहर जो है शांत रहे और पूरा हमारा प्रयास रहेगा और आज के दिन के साथ जो है नई एनर्जी के साथ हम लोग कार्य करते हैं। नालंदा में जिला परिषद कार्यालय में वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति की बैठक की गई। ये बैठक जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान डीडीसी वैभव श्रीवास्तव के अलावा नालंदा जिले के कई जिला परिषद सदस्य गण मौजूद रहे। बैठक के दौरान वहां पर कई गण जो है वहां पर उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य छह एजेंडा पर चर्चा भी की गई, जिसमें से पूर्व सैम पर कार्य नहीं करने पर उसे काली सूची में डालने के लिए जिला अभियंता को कहा गया है। बैठक के दौरान मुख्य छह एजेंडा पर चर्चा किया गया, जिसमें पूर्व से बंद योजना को समय पर कर्ज पूरा नहीं करने पर उसे काली सूची में डालने के लिए जिला अभियंता को कहा गया। 21-22 में कई योजना अभी लंबित है, वो 20-23 में पूरा करने का आदेश दिया गया। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश